और एंड में ये भी बताएंगे कि इस कैबिनेट का प्राइस क्या है और इसका पूरा कंप्लीट पीआर आपको कितने का पड़ेगा। बहुत कम रेट में पड़ने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ JBL की तरफ से आने वाला SRX का 712 मॉडल। ये थोड़ा अलग होने वाला है। अभी ये अलग क्यों है इसे खोल के फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये अलग क्यों है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला जो मॉडल है JBL का, यहाँ पे 12 इंच का एक वूफर लगता है और एक ट्यूटर आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये 8 इंच का दो वूफर यहाँ पे लग जाता है और एक ट्यूटर जो पीजो ट्यूटर है वो यहाँ पे लगता है। और मैं इस कैबिनेट का क्लोज लुक मैं आप सबको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये रहा वो कैबिनेट, यहाँ पे इसका वो जाली है और इसके अंदर का आप देख सकते हो जो सॉफ्ट सी चीज़ यहाँ पे लगता है वो भी दिया हुआ है इसके अंदर। तो ओवरऑल यही था कैबिनेट का लुक, और पीछे का व्यू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा वो पीछे का व्यू, यहाँ पे वो सॉकेट लग जाता है इनपुट और आउटपुट का, वो भी हम लगाएंगे। और एंड में ये भी बताएंगे कि इस कैबिनेट का प्राइस क्या है और इसका पूरा कंप्लीट पीआर आपको कितने का पड़ेगा। बहुत कम रेट में पड़ने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अभी हम चलते हैं 8 इंच का दो ऊपर जो स्वीटोन के तरफ से आने वाला है उसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए, ये रहा वो स्वीटोन के तरफ से आने वाला है 8 ओम्स में 8 इंची का 120 वाट ऊपर। तो इसे मैं पहले ही खोल चुका हूँ लेकिन आप लोगों के लिए फिर से, तो इस तरीके का कुछ सेफ्टी आ जाता है। और ये रहा फाइनली हमारा वो ऊपर, बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। ये रहा एक ऊपर, और ऐसे एक और ऊपर चाहिए हमको जो कि ये रहा, दोनों सेम टू सेम। इसका कोन का फिनिशिंग आप देख सकते हो, बहुत ही हार्ड कोन दिया हुआ है जो कि मिड बेस के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका स्पाइडर आप देख सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा जाली टाइप का दिया गया है जो कि वेंटिलेशन का काम करता है जब आपका कॉइल हीट होगा तो हीट बाहर निकलने के लिए। और इसके साथ एक ट्यूटर भी आएगा, ये रहा वो ट्यूटर जो सोहा कंपनी का है, ये एक पीजो ट्यूटर है। तो कैबिनेट में फिटिंग्स करने से पहले मैं आप सब लोगों को इसका कनेक्शन बता देना चाहता हूँ कैसे कनेक्शन होगा। तो कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, पैरेलल कनेक्शन होने वाला है, इसका प्लस इसके प्लस में, इसका माइनस इसके माइनस में। और ट्यूटर के साथ एक कैपेसिटर सीरीज़ में लगाना है, तो मैं कनेक्शन आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो ये रहा जो एम्पलीफायर से आने वाला ऑडियो आउटपुट है, तो इसका प्लस इसके प्लस में जाएगा, इसका माइनस इसके माइनस में जाएगा, और यहाँ से एक और आउटपुट मिलेगा जो कि इसके माइनस में जाएगा, जो माइनस वाला तार है, और ये प्लस है इसके प्लस में लगेगा। और एक कैपेसिटर सीरीज़ में लगा के ये ट्यूटर यहाँ पे दोनों ऐसे अटैच हो जाएगा। बस सिंपल कनेक्शन है, ये रहा आपके सामने सब कुछ। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में मैं आप लोगों को सारी चीज़ का प्राइस बताने वाला हूँ, ये ऊपर कितने का पड़ेगा, ये ट्यूटर, वो कैबिनेट, सब कुछ प्राइस बताने वाला हूँ। और ये वाला सेटअप आप किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हो, और साउंड टेस्टिंग भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वीडियो के एंड में, तो वीडियो में बने रहना। तो यही वाला कनेक्शन मैं कैबिनेट के अंदर फिटिंग्स करने वाला हूँ, तो कैबिनेट में फिटिंग्स करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसा बचता है। Thank you.
तो गाइस देख सकते हो हमारा दो बॉक्स रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे साउंड टेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसका प्राइस के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो ये दोनों कैबिनेट, ओनली कैबिनेट आपको पेयर पड़ेगा 4000 रुपये, और दोनों स्पीकर का पेयर पड़ेगा आपको 1600 रुपये, स्वीट ऑन का 120 वाट, याद रखना। और ट्यूटर का प्राइस आपको मार्केट में 100 या 120 में आपको मिल जाएगा। तो टोटल सेट आपका रेडी होता है, एक पेयर आपका 7400 में रेडी हो जाएगा। तो चलिए साउंड टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। घर के अंदर साउंड टेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसका साउंड बहुत लाउड है, तो बाहर ही करना पड़ेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन हमारा रेडी हो चुका है इजबल एम्पलीफायर के साथ। तो टोटल सेटअप हमारा है 500 वाट, 240 और 240, 480 हो जाते हैं। आप मान के चलो दो बॉक्स आपका पीआर में 500 वाट हो गया, और इसके साथ आपको 500 वाट का एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास फ़िलहाल 500 वाट का एम्पलीफायर नहीं है, 300 वाट का एम्पलीफायर है जिसका पार चैनल 150 वाट है। तो इसके साथ ही हम साउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो फ़िलहाल के लिए नॉन कॉपीराइट सॉन्ग ही प्ले करना पड़ेगा। तो चलिए, साउंड क्वालिटी कैसा लगा कमेंट में बताना। और नेक्स्ट वीडियो कुछ इस टाइप का सेटअप आने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी के लिए चलता हूँ दोस्तों, दुआ में याद रखना।